भगवान से ये मांगना चाहिए कि सुख दुख खत्म करो ये नहीं, जो तेरी मर्जी हो मुझे वैसा बना दे, मुझे वैसे ही रहना, मैं शिकायत करना खत्म कर दूं। मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ये भी लगता है, एक एंगल है, जब वो शिकायतें करना खत्म कर देता है। और जो साधारण आदमी होगा वो देखो आप हर चीज में शिकायत करेगा, और दुनिया से भी उसकी शिकायत होगी और भगवान से भी शिकायत होगी। और जो आध्यात्मिक होगा उससे मैं कथा में बोलती हूँ, आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कैसे हो, तो बोलेगा हाँ बस टाइम पास कर रहे, मतलब उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं। और आप किसी आध्यात्मिक आदमी से पूछो कैसे हो, चेहरे पे मुस्कुरा के एकदम हंस के बोलेगा बड़ी मौज में, भगवान की बहुत कृपा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, और यही अध्यात्म की जर्नी है। वाओ,